प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में हो रहे हैं अभूतपूर्व बदलाव। पनामा दौरे पर प्रवासी भारतीयों के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। पनामा से राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा नियमों में छूट और कृषि क्षेत्र में सहयोग से जुड़े दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। अगले साल दिसंबर तक गंगा को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। गंगा को प्रदूषित करने वाले बड़े नालों की पहचान का काम जारी, 309 कारखानों को बंद करने का आदेश। शीर्ष अदालत में मौखिक सुनवाई का दूसरा सबसे लंबा केस, 38 दिन चली आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित, सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। कर्नाटक में पूरा हुआ चुनाव प्रचार, 12 मई को होगी कुल 224 विधानसभा सीटों में से 223 पर वोटिंग। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जारी, 15 मई को होगी वोटों की गिनती। बीजेपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का संबोधन। नमो ऐप के जरिए कहा, समाज में भेदभाव खत्म करने पर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रही है सरकार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया दलितों और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप।